और खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां बरकी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल यस के बैनर तले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई, जहां समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी सुनील ओझा और विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना दल यस सेवापुरी विधायक नील रतन पटेल समेत अपना दल राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र पाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने सरदार के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुरुआत की, साथ ही सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और इनको साथ में जोड़ के आज निरंतर पटेल जी ने ये कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आया सरदार पटेल की आज जन्म जयंती है, तो सबके लिए एक अखंड भारत के शिल्पी, एकता को देश में देने वाले, कश्मीर के लिए जो खुद भी कैबिनेट में लड़े, 370 के लिए भी जो लड़े, आज उनको याद करते हुए हमें ये उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी की हैसियत से बहुत आनंद है। नहीं, किसी विरोधियों को चेताने का ये प्रयास नहीं है, ये इस देश के महापुरुष की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। इसको हम सब लोगों ने बड़े पैमाने पे मनाने का काम किया, जबकि इस समय किसानों के पास ढेर सारा काम है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने खेतों से निकल करके इस देश के पुरोधा की जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में अपने मोटरसाइकिल से, अपने फोर व्हीलर गाड़ियों से, अगल बगल के गांवों से पैदल चल करके लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने का काम किए। और